नमस्कार, कैसे आप? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि जो बड़े किसान हैं वो तो अपना समर्थन मूल्य में धान बेच लेते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, हमारी जो धान है, हाँ, वो सरकार नहीं खरीदती है। नहीं तो आपने ये तो सही बात बोली, हाँ, कि जो MSP मिलती है, हाँ, जिसके पास मतलब जमीन का कागज होता है उसी के लिए होता है ये, हाँ, जिसके पास जमीन का कागज नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा। मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी तो आपका भाषण सुना ना, तुम्हें बोला राहुल भैया हम लोगों का कुछ करेगा, जरूर मेरे को यकीन है। छोटू कैसे हो? नमस्कार। नमस्कार। आपने जो हमारा मैनिफेस्टो है वो पढ़ा है? आपने देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? देखा क्या लिखा उसमें? किसान के लिए जो है मुद्दा, उसके लिए ना 5 गारंटी है हमारी। एक गारंटी है कि किसानों को कानूनी MSP सब किसानों को, ठीक है। दूसरा, किसानों का कर्जा माफ। अब इन्होंने एक बात अच्छी कही है, जिनके पास कागज नहीं है उसका क्या होता है? एग्रीमेंट, किसान के तरफ तक एग्रीमेंट नहीं, उसका राज नहीं है, लाभ नहीं मिल पाएगा। जिसके पास कागज नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, राज नहीं है क्या है? उसको हम लोग मौखिक ही खेती करते हैं सर। अब हम लोग मजदूरी करने वाले हैं, हम लोग एग्रीमेंट करा नहीं सकते। बिल्कुल वही तो है, हम तो कमाने वाले हैं, ले देकर तो हमें दे रहा है, तो उसको उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं कमा करके। बाकी मार्केट में जो कीमत बढ़ा 2500 रुपए किसान लोगों को मिल गया, लेकिन हम जो है अपना मजदूर लोग 14 रुपए 15 रुपए क्विंटल है भाई में बेचे। दुकान में जाते हैं तो लेबो नहीं करा थे, इतना में लेना है तो लेबो खरीदो। तो कहाँ से गरीबी दूर होगा भाई, बता। तो गरीबी दूर नहीं होते। मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। एक, आपने महालक्ष्मी योजना की बात की, जानते क्या है? नहीं जानते? मैं बताता हूँ। महालक्ष्मी योजना में हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट बनाएंगे। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला को साल के 1,00,000 रुपए, महीने के 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में सीधा सरकार देगी। मनरेगा में आज 250 रुपए मिलता है, मनरेगा को 400 रुपए कर रहे हैं। नहीं आ रहा है, नहीं मिले। गैस भरवाथन तो 1,000 गैस दिन भर में तो 150-100 रुपया कमा काथन। हमारे जानकारी नहीं है कहाँ हमन 500 रुपया कमा सको सर। 200 रुपया कमाथन तो कमल तो 1,000 में गैस भरवा दे। सब चीज ला तो महंगाई कर दे। हमारे गाँव में न टंकी बांध से पानी आना चाहिए, पाइप द्वारा से टंकी, तब हमारे गांव के मन जी ही असन नहीं जी सका। पानी तो एकदम कड़वा के। आप कहाँ जाते हो? बीमार होते हो अस्पताल जाते हो? प्राइवेट अस्पताल में जाते हो? कहाँ जाते हो? प्राइवेट है, सरकार है। तो 25 लाख रुपए का हम हेल्थ इंश्योरेंस बीमा हर गरीब व्यक्ति को देने जा रहे हैं, तो इलाज हो पाए आपका, ऑपरेशन हो पाए। क्या पढ़ी हो तुम? ग्रेजुएट हो? क्या पढ़ रही हो? बी कॉम। तो ग्रेजुएट्स के लिए हम एक योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की 1 साल की, जैसे मनरेगा होता है मजदूरों के लिए होता है, वैसा ही हम ग्रेजुएट के लिए 1 साल की नौकरी ट्रेनिंग पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी ऑफिसेज में उसका अधिकार दे रहे हैं। जब तुम ग्रेजुएट करोगी तो ये अधिकार मांग सकोगी, सरकार को आपको देना ही पड़ेगा। और 8,500 रुपये महीने के मिलेंगे, साल के 1,00,000 रुपये और 1 साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये हमारी तीसरी योजना है। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। ST/SC के लिए ना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मतलब यह है कि ग्राम सभा में यदि प्रस्ताव पारित हो जाए, मतलब पिताजी नहीं पढ़े है ना, तो स्कूल में दाखिला नहीं, जमीन नहीं है, जाति प्रमाणित कैसे करेगा? तो हमने क्या किया था, ग्राम सभा में पारित करो, उसको तहसीलदार प्रमाण पत्र देगा। लेकिन अभी सरकार बदलने के बाद कड़ाई कर दिया, सारे काम को रोक दिया, बन नहीं रहा। और जो सरकार में सब हो रहा था, सारी योजना हमारी बंद कर दी है। अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक फोटो लो मेरे साथ, आओ तुम भी आ जाओ।